Good morning, students. So, what we'll study today in this class? Today, in this class, we'll start at chapter number 11th. Okay? हम लोग अपना जो 11th chapter है, वो start करेंगे. And our chapter number 11th is time and calendar. Okay? अपना chapter number 11th क्या है? Time and calendar. Time क्या होता है? जो टाइम हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ओके वो क्या होता है? टाइम होता है जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन नाइट, एट नाइट, सॉरी, ओके तो वो क्या होता है? टाइम. एंड कैलेंडर, जिसमें हमें डे, डेट, ईयर तीनों चीजें मेंशन की होती है. डे, डेट एंड ईयर तीनों चीजें हमें एक साथ मेंशन की होती है, वो क्या होता है? कैलेंडर. ओके, सो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम, कि हम टाइम को किस तरीके से रीड कर सकते हैं एंड किस तरीके से राइट कर सकते हैं. ओके, सो टाइम जो है बेटा, उसके लिए, उसे देखने के लिए, टाइम देखने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? इट्स अ वॉच. ओके, वॉच द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू सी टाइम. ठीक है, वॉच में क्या होता है? वॉच में हमें क्या देखने को मिलता है? वॉच में 1 to 12 क्लॉक वाइज हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं. 1 to 12 तक हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं. ओके, एंड उसमें हमें 3 hands दिखाई देते हैं. ओके, क्या दिखाई देते हैं हमारे, हमें 3 hands दिखाई देते हैं. लॉन्ग हैंड होता है, शॉर्ट हैंड होता है एंड एक थिन हैंड होता है. लॉन्ग हैंड होता है, शॉर्ट हैंड होता है एंड थिन हैंड होता है. ओके, लॉन्ग हैंड जो है वो लंबा होता है, मिनट हैंड होता है. लॉन्ग हैंड जो है वो लंबा होता है, मिनट हैंड होता है. शॉर्ट हैंड जो है वो छोटा होता है एंड हावर हैंड होता है. शॉर्ट हैंड जो है वो छोटा होता है एंड हावर हैंड होता है. जबकि जो थिन हैंड है वो फास्ट मूविंग हैंड होता है एंड सेकेंड हैंड होता है. ओके, फास्ट मूविंग होता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है इन द वॉच एंड वो सेकेंड हैंड होता है, वो सेकेंड्स को बताता है. लॉन्ग हैंड मिनट हैंड होता है, मतलब वॉच में मिनट्स को बताता है. शॉर्ट हैंड छोटा होता है. ओके, जिसे हावर हैंड कहते हैं. हावर हैंड क्यों? क्योंकि ये हमें हार बताता है कि कौन सा घंटा चल रहा है. ओके, एंड सेकेंड हैंड फास्ट मूविंग हैंड होता है, थिन हैंड होता है, पतला सा होता है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है एंड हमें सेकेंड्स बताता है, इसलिए ये सेकेंड हैंड होता है. ओके, देन मिनट्स को हमें मिनट्स का कैसे पता चलता है? सो मिनट्स जब 12 पर होते हैं तो मिनट 00 होती है, 00 या 16. ओके, 00 या 16. 1 पर होती है 5 minutes, 2 पर होती है 10 minutes, 3 पर होती है 15 minutes, 4 पर 20 minutes, 5 पर 25 minutes, 6 पर 30 minutes, 7 पर 35, 8 40, 45, 50 एंड 11 पर होती है 55. ओके, जब क्लॉक हैंड, सॉरी, जब लॉन्ग हैंड या मिनट हैंड 1 पर होता है तो 5 minutes, 2 पर होता है तो 10 minutes, 3 पर होता है तो 15 minutes, 4 पर होता है तो 20 minutes, 6 पर होता है तो 30 minutes, 9 पर होता है तो 45 minutes एंड अगर 12 पर होता है तो 00 या 60 minutes हो चुके होते हैं. ओके, जो मिनट हैंड है ये एवरी घंटे क्लॉक में राउंड करता रहता है. ओके, एक 1 day इक्वल्स टू 24 hours. ओके, एक दिन में 24 hours होते हैं. 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes, 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes एंड 1 minute इक्वल्स टू 60 seconds. ओके, 1 minute इक्वल्स टू 60 seconds. सो 1 day इक्वल्स टू 24 hours, 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes, 1 minute इक्वल्स टू 60 seconds. ओके, देन
ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड क्लॉक में कितने राउंड्स करता है? ये एवरी घंटे राउंड करता है। एवरी घंटे राउंड करने का मतलब कितने राउंड करता है होल डे में? एवरी हार राउंड करता है, टोटल 24 हार्स होते हैं, तो ये 24 हार्स इस क्लॉक में राउंड करता है। ओके, देन आता है हावर हैंड। हावर हैंड एवरी हार से मतलब यूं राउंड करता है। सो एवरी हार, जैसे अभी थ्री है, ओके, देन जब मिनट हैंड वापस 12 पर आ जाएगा तो ये 4 पर होगा। जब मिनट हैंड फुल एंटी सॉरी क्लॉक वाइज राउंड करके वापस 12 पर जाएगा तो ये 5 पर आ जाएगा। ओके, तो ये एवरी हार से मूव करता है। सो होल डे में इसका जो हावर हैंड है, इसके कितने राउंड हो जाते हैं क्लॉक में? 2 राउंड्स। फर्स्ट इज 1 to 12, ओके, सेकेंड इज अगेन 1 to 12, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट टाइम दोनों टाइम होता है, ठीक है। और जो सेकेंड हैंड है या जो थिन हैंड है या जो फास्ट मूविंग हैंड है, ये एवरी मिनट राउंड करता रहता है। एवरी मिनट ये राउंड करता रहता है। ओके, द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक मेजर द हावर। हावर हैंड क्या मेजर करता है? हावर को मेजर करता है। देयर आर 12 मार्क्स ऑन द डायल। ये क्या होता है, ये कंप्लीट, ये क्या होता है? एक डायल होता है। ओके, ये क्या होता है? डायल होता है। ओके, डायल पर 12 मार्क्स राइट डाउन किए होते हैं। द क्लॉक फ्रॉम 1 to 12, 1 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक राइट डाउन किए होते हैं। द हावर हैंड कंप्लीट्स 2 राउंड इन 1 डे। हावर हैंड जो है वो 1 डे में 2 राउंड्स कंप्लीट करता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेजर द मिनट। मिनट हैंड क्या मेजर करता है? मिनट्स को मेजर करता है। बिटवीन 2 कंसीडरेड हार मिक्स मार्क्स देयर आर 4 स्मॉल डिवीजन ऑफ 5 और 5 डिवीजन इंक्लूडिंग द हार मार्क। मिनट हैंड जो है वो 4 मतलब 4 टाइम्स इनको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, ओके, ओ क्लॉक, ओके, इस तरीके से इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। ओके, 5 पर होते हैं 1 into 5 5 minutes, 2 जब 2 पर होता है मिनट हैंड तो 2 into 5, 3 पर होता है मिनट हैंड तो 3 into 5, 4 पर होता है तो 4 into 5, 5 पर होता है तो 5 into 5, ओके, इस तरीके से मिनट हैंड जो मैंने आपको पहले बता चुकी। नेक्स्ट आता है 2 एंड पास्ट। 2 मतलब आते हैं, जैसे क्वार्टर 2, ओके, क्वार्टर 2 6, क्वार्टर बचा हुआ है मतलब 15 मिनट्स बचे हुए हैं, ओके, एंड पास्ट मतलब क्वार्टर पास्ट मतलब बीत चुका, क्वार्टर पास्ट मतलब 15 मिनट्स बीत चुके, क्वार्टर पास्ट 6, 6:15 मिनट्स बीत चुके हैं। हाफ पास्ट हार मतलब आधी घंटा बीत चुका है। हाफ पास्ट मतलब आधी घंटा बीत चुका है, या हाफ पास्ट टू द हार मतलब आधी घंटा और बचा है। ओके, सो ये मीन होता है 2 एंड पास्ट का। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास। इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, यू कैन आस्क टू मी। ओके, सो बाय।